गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ बेटा, कल हमने एक्टिविटी टू स्टार्ट की थी। ऑन पेज नंबर 123 पे फिल इन द ब्लैंक्स के कल हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स से उनको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना था और साथ में जो ब्लैंक्स के इधर लिखा हुआ था उसको उसमें कन्वर्ट करना था। आज हम 6 सम स्टार्ट करेंगे। 450 ग्राम इज इक्वल टू डैश परसेंट ऑफ अ के जी, मीन्स ग्राम को आपने परसेंट एंड किस में कन्वर्ट करना है, के जी में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सी। ओके, तो आपकी स्टेटमेंट है 450 को डैश परसेंटेज ऑफ केजी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी के इक्वल होता है। मींस 450 को आपने किसके साथ डिवाइड कर देना है, 1000 के साथ, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, 100 के साथ, और बाहर किसका साइन लग जाएगा, परसेंटेज का। अब देखो, ऊपर भी 2 0 है, नीचे भी 2 0 है, 2 0 के साथ 2 0 के कैंसिल, और एक ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, सो 45 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 41, 1 ज़ार 45, और बाहर किसका साइन आ जाएगा, परसेंटेज का। तो आपके यहाँ पे क्या लग गया, 45। क्लियर? एक बार दोबारा समझाने लगी हूँ कि आपके पास तब 450 ग्राम, उसको आपने परसेंट ऑफ केजी में कन्वर्ट करना था। आपको पता है कि 1 ग्राम जो होता है 1/1000 केजी के इक्वल है, मींस 450 को आपने 1000 के साथ डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 100 के साथ, और बाहर किसका साइन लग जाएगा, परसेंटेज का। 2 0 के साथ नीचे 2 0 कट हो गए, ऊपर वाली 1 0 के साथ ये वाले 0 कट हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ नीचे 100,000 हो तो आप 0 के साथ ऊपर, अगर लास्ट पे 0 लगे हुए हैं तो आप कट कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, 45, और यहाँ पे क्या बच गया, 1। 45 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 45, और साथ में क्या लग गया, परसेंटेज। क्लियर? सो अब है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7th है 550 मिलीलीटर इज इक्वल टू डैश परसेंट ऑफ अ लीटर, मीन्स मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, ये हो गया। तो अब इट मीन टू से 550 को आपने किसके साथ डिवाइड करना है, 1000 के साथ, और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 100 के साथ, बाहर किसका साइन लगेगा, परसेंटेज का। अगेन ये 2 0 के साथ ये 2 0 कट हो गए, और ये वाले 0 के साथ ये वाला 0 कट हो गया। आपके पास अब सिर्फ बचा है 55 मल्टीप्लाई विद 1, और बाहर किसका साइन आएगा, परसेंटेज का। 55 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है, 55, साथ में क्या लग गया, परसेंट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 55। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले ऐसे होता था, यहाँ तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है, यहाँ पे यूनिट दिए होते थे के जी, लीटर, मिली लीटर, समथिंग ऐसे, ठीक है। अब लेकिन उन्होंने बोला है कि 40 मिनट्स को आप डैश परसेंट ऑफ आर में कंप्लीट कर दो। आपको पता है, आपको उल्टा पता है कि एक आर में 60 मिनट्स होती हैं। एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। अब हमने मिनट्स को आर्स में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं, वो डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। जैसे ये सिर्फ जस्ट समझा रही हूँ कि अगर एक आर में 60 मिनट्स हैं तो अकेले हमने, सॉरी 60 मिनट्स हैं, अकेले हमने मिनट्स फाइंड आउट करने हो तो मिनट्स को अकेले इधर रहने देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाला 60 इधर जब आएगा तब नीचे लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60, साथ में आवर्स, और इधर क्या हो गया, मिनट्स। मिनट्स इधर ही रहने देना है, लेकिन जो साथ में 60 मल्टीप्लाई हो रहा था वो हम नीचे लेके आ गए, और फिर हमें पता चल गया कि एक मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, 1/60 आवर्स होते हैं, ठीक है। वैसे ये तो था लॉजिकल कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अदरवाइज आप याद रखने में ये रख सकना कि 1 मिनट्स इज इक्वल टू 1.60 आवर्स। क्लियर? एक मिनट फिर करती हूँ। आप सीधा लिख सकते हो कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1.60 आवर्स। जो मैंने अभी करवाया था वो रीज़न था कि कैसे 1/60 आया, लेकिन आपने नहीं याद रखना तो आप ऐसे कर लेना। सो 40 को आपने किसके साथ डिवाइड करना है, अब इस बार 60 के साथ, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपने, 100 के साथ, और बाहर किसका साइन आ जाएगा, परसेंटेज का। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, कटिंग करेंगे 0 के साथ, 0 की कटिंग, 6 और 10 की कर लो। 6 और 10 2 के टेबल पे आते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा
टू फाइव ज़ा कितना होता है 10, तो 40 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड किसके साथ करना है 3 के साथ, बाहर किसका साइन रहेगा परसेंटेज का। 40 को 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 200, ओवर कितना आएगा 3, बाहर कितना आएगा परसेंटेज। क्लियर? तो कितना आ गया 200 ओवर 3 परसेंटेज। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 66.6%। क्लियर? डिवाइड कर 20 को 3 के साथ, 200 को 3 के साथ डिवाइड करके देख लेना, आपका जो आंसर है वो हमेशा रिमाइंडर 2 बचेगा। और जब मैंने आपको बोला था कि जब एक ही चीज़ आपके पास रिमाइंडर आ जाए तो आप एक करके उसको वहीं पे छोड़ देना, ठीक है? तो आपके पास आंसर आ जाएगा 66.6%। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज 146 डेज इज इक्वल टू डैश परसेंट ऑफ एन ईयर। अब आपने डेज को किस में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में। आपको पता है कि एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365, लेकिन उन्होंने उल्टा पूछा है इस बार कि एक डे में कितने ईयर्स, मींस वन डे इज इक्वल टू 1/365 डेज। हम ये वाला लिखेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 146 डेज में कितने परसेंट ऑफ ईयर होते हैं। हमें पता है कि वन डे में 1/365 ईयर्स होंगे, ठीक है? ये हमने लिख लिया। मींस 146 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 365 के साथ, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे 100 के साथ, बाहर किसका साइन आ जाएगा परसेंटेज का। सो 146 की और 365 की कटेंगे तो 73 टूज आर आएगा 73 टूज आर 146 एंड 73 5s are 365 होता है, ठीक है? 73 2s are 146 होता है एंड 73 5s are कितना होता है 365। अब इनकी और इनकी कर दो, 5 1s are 5 एंड 5 20s are 100। क्लियर? अब यहाँ पे बच गया 2 और एक यहाँ पे क्या बच गया 20, और बाहर किसका साइन आ गया परसेंटेज का। 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40, बाहर किसका साइन आ गया परसेंटेज का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 और बाहर क्या आ जाएगा परसेंटेज। क्लियर? सो इस एक्सरसाइज का अब आपका लास्ट सम रह गया है। वैसे तो वो आप खुद कर सकते हो लेकिन मैं करवा ही देती हूँ। चलो कहते हैं कि 350 जो मिलीग्राम है उसको आपने चेंज करना है डैश परसेंट ऑफ अ ग्राम। हमें पता है कि 1 मिलीग्राम जो होता है 1/1000 ग्राम के इक्वल होता है। अगर आपको ये नहीं याद तो आप प्लीज़ अपने माइंड में वो वाला चार्ट जो मैंने करवाया हुआ था, किंग्स हैरी डायट मदर डिड नॉट क्राई मच वाला, वो अपने याद रखना या अपने साइड पे लिख लिया करना जब भी ये सम्स करोगे। तो अभी हम लास्ट सम करेंगे इसका 350 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश परसेंट ऑफ मिलीग्राम, ठीक है? तो 1 मिलीग्राम जो होता है वो 1/1000 ग्राम के इक्वल्स है, ठीक है? तो अब हमने 350 को किसके साथ डिवाइड कर देना है 1000 के साथ, और परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए किसके साथ कर देना है 100 के साथ, बाहर किसका साइन आ गया परसेंटेज का। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट, ऊपर वाले जीरो के साथ ऊपर वाला। यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचा है 35 1 और साथ में क्या बचा है परसेंटेज। 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 35, साथ में क्या आ गया परसेंटेज। तो आपके पास आंसर आया है 35। क्लियर? बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। एक बात याद रखना, हमेशा आप डिवाइड कर रहे हो इस सम्स में, किसी में भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। हमेशा जो भी टर्म आपके पास आती है सिर्फ 100 के साथ मल्टीप्लाई करती हो, लेकिन जब किसी को कन्वर्ट करती हो तो या तो 10 के साथ कर रही हो या 100 के साथ या फिर 1000 के साथ। तो आपकी एक्टिविटी 2 जो है वो भी क्या हो गई है, फिनिश हो गई है। कल हम एक्टिविटी 3 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।